डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझते हैं स्प्रेडशीट को डिटेल से। ये जो हमने खोला है ये एक स्प्रेडशीट है, इसी के अंदर एक्सेल का सारा काम होता है, इसी के अंदर आप सारी वर्किंग करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, टेक्स्ट एंट्रीज करेंगे और उसी से फिर आप सारी रिपोर्ट्स बनाएंगे, बहुत अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाएंगे रिपोर्ट्स की, उसका एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों, मैं इसमें एक एक करके आपको सारे फंक्शंस इसके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे ऊपर अगर हम जाएंगे इसमें दोस्तों, अगर ऊपर टॉप कॉर्नर में हम जाएंगे तो हमें सबसे ऊपर जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इन सारों को हम टैब्स कहते हैं। जब हम एक टैब को प्रेस करते हैं तो वो पर्टिकुलर टैब का रिबन खुल जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके रिबन्स, इसका रिबन कहलाता है और उस रिबन के अंदर उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको नॉर्मल व्यू में दिखाऊं तो होम का जो टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, ये सारे टैब्स हैं इसके, और उन टैब्स के नीचे जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उस टैब का रिबन आ जाता है, उस रिबन के उतने सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें सबसे आसानी से आप इंसर्ट समझ सकते हैं कि जैसे आपने इंसर्ट को प्रेस किया तो उसके अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस उसके रिबन के अंदर आ जाते हैं। तो आप इतना समझिए, ऊपर टैब है, टैब के नीचे उसके रिबन्स आ जाएंगे, रिबन्स में उनके वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके नीचे फ्रेंड्स हम आएंगे तो इसको कहते हैं नेम बॉक्स। थोड़ा एक्सपैंड करके आपको दिखाता हूँ, ये कहलाता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स वो लोकेशन होती है जहाँ पर आपका सेल रखा गया है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने A1 जो सबसे कॉर्नर वाला सेल है वहाँ पर जब रखा तो ऊपर A1 लिख के आ रहा है। जब कर्सर को मैं उसके साइड में ले जाता हूँ तो ऊपर देखिए B1 लिख के आ रहा है। मैं उसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ तो B2 लिख के आ रहा है। इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपको बताता है कि इस एक्सेल शीट के अंदर आप किस जगह पर अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद उसके साइड में आता है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार ये दिखाता है कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आपने रखा है उस सेल में आपने क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए इसमें हम 1000 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, तो आपको फॉर्मूला बार में 1000 लिख के आ जाएगा और नेम बॉक्स में ये लिख के आ जाएगा कि A1 सेल में आपने ये लिखा हुआ है। सेल का नामकरण कैसे होता है ये हम आपको भी समझाएंगे। आपको फॉर्मूला बार के बारे में मैं पहले थोड़ा सा समझा दूँ। ये हमने F1 सेल लिया, F1 सेल में फॉर्मूला बार F1 के अंदर अगर हमने एक फार्मूला डाला, फार्मूला हमेशा इक्वल टू बराबर के साइन से शुरू होता है, इसमें हम 100 प्लस 100 अगर लिखते हैं और एंटर करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 200 और फार्मूला बार में आपको दिखता है 100 प्लस 100। उसके नीचे F2 सेल में देखिए एड्रेस पे F2 दिख रहा है, F2 में हमने कर्सर रखा हुआ है, इसके अंदर अगर हम 200 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि फार्मूला बार में 200 लिख के आ रहा है। दोनों सेल में आपको 200-200 की वैल्यू है लेकिन फार्मूला बार में यहाँ पर ये 200 दिख रहा है, यहाँ पर ये 100 प्लस 100 दिख रहा है। इससे हमें ये समझना है कि फार्मूला बार या तो वहाँ की लिखी हुई वैल्यू दिखाता है, अगर वहाँ पे कोई फार्मूला है तो फिर वो फार्मूला दिखाएगा जिसके कारण आपको ये वैल्यू मिल रही है। तीसरे सेल में F3 में जाते हैं हम, देखिए इसमें नाम चेंज होकर F3 हो गया, F3 में आपका कर्सर है, F3 में अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं ABCD, अगर हमने ABCD इसमें टाइप किया तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला बार में ABCD लिख गया। दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखें दोस्तों कि टेक्स्ट जो है आपका वो बाईं तरफ रहता है किसी भी सेल के अंदर और नंबर जो है वो आपका दाईं तरफ रहता है, ये दाईं तरफ दिखेगा और जो टेक्स्ट है, जो शब्द है, अक्षर हैं वो आपको बाईं तरफ दिखेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेल का स्ट्रक्चर और ये शीट ये कैसे बनी है, क्या है इसका कंस्ट्रक्ट। इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ABCD दिख रहा है, ये स्टैंडिंग लाइंस जो ABCD है ये बेसिकली आपका कॉलम्स कहलाते हैं। AB आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। HI ये जो स्टैंडिंग वाली हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं और जो ये लेटे हुए लाइंस हैं 1, 2, 3, 4, आप 1 को क्लिक करेंगे तो पूरी 1 सेलेक्ट हो जाएगी, 2 को करेंगे 2 सेलेक्ट हो जाएगी, आप 10 को करेंगे 10 सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये रोज़ हैं और इन रोज़ और कॉलम्स से ही आपकी ये शीट बनी हुई है।
अब दोस्तों अगर आप इस सेल को देखें A1, तो आपको ये समझना है कि कॉलम A और 1 इन दोनों के मिलने से बना हुआ है। D में मैंने एक सेल को येलो किया हुआ है, अगर आप इसको देखें इसका नंबर है D3। आप ध्यान से देखें तो ये D कॉलम और थर्ड रो, तीसरी रो और D कॉलम के मिलने से ये सेल बना है, इसलिए इसका नाम D3 पड़ा है। और इसमें जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो ऊपर आपको फॉर्मूला बार में दिखेगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता है आपका शीट्स। यहाँ देखिए टैब्स हैं जिनको मैं प्रेस करूँगा तो ये अलग अलग शीट है। शीट्स से आप इस तरीके से समझिए, जिस तरीके से आपकी कॉपी में अलग अलग पन्ने होते हैं वैसे ही ये शीट्स हैं। अलग अलग शीट्स में आप अलग अलग काम कर सकते हैं, उनका अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे इसका क्लास 10 नाम दिया हुआ है, मैंने क्लास 8 दिया है। मान लीजिए आप टीचर हैं और आपको एक और क्लास मिल जाती है पढ़ाने के लिए क्लास 9, तो आप इस शीट को जाके रीनेम, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और उसका नाम क्लास 9 आप वहाँ से लिख देंगे और उस शीट का नाम क्लास 9 हो जाता है। उसके बाद दोस्तों और शीट्स की ज़रूरत है तो आप कॉर्नर में इसको प्रेस करते जाइए, नई शीट्स आप ऐड कर लेंगे। इधर जब आप आते हैं ये आपको जो एरो दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा इस बड़ा दिखेगा। इसमें अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने शीट्स बनाई हुई हैं वो सारी शीट्स के नाम आपको वहाँ दिख जाएंगे। आप जिस शीट में जाना चाहें उसको क्लिक करेंगे तो सीधा उस शीट में आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस कॉर्नर पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखेगा आपको, स्क्रॉल बार नीचे है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये पन्ने को दाएं बाएं करने में आपकी मदद करता है, जिस तरफ भी आप उसको खींचेंगे उस तरफ चला जाएगा। और इस ऊपर जब देखेंगे आप राइट हैंड कॉर्नर में तो एक स्क्रॉल बार है जो पन्ने को ऊपर नीचे करने में आपकी मदद करता है। टॉप में आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन है, काम हो जाए तो आप यहाँ से क्रॉस करके अपनी शीट को बंद कर सकते हैं। काम होने के बाद आपको फाइल को सेव करना है तो यहाँ पर आना है आपको और सेव का बटन, ये ऊपर टीवी जैसा आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। पूरी फाइल सेव करने के लिए हम आपको प्रक्रिया बता चुके हैं, फाइल को प्रेस करके और आप यहाँ सेव एज उसके नीचे आएगा, सेव एज को क्लिक करेंगे और फाइल का नाम और डेस्टिनेशन देके आप उसको कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्लास को लेके चलेंगे।